हमीरपुर जिला में बंदरों की समस्या नासूर बनती जा रही है और अब बंदरों की समस्या के चलते कई क्षेत्रों में किसानों ने खेती बाड़ी करना तक छोड़ दिया है। बंदरों की समस्या से परेशान जिला के ग्लोड कस्बे के लोगों का प्रतिनिधि मंडल सर्किट हाउस में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन बलदीप भंडारी से मिला और ज्ञापन सौंप कर बंदरों की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश संयोजक अनीता गर्ग की अगुवाई में लोगों ने ज्ञापन सौंपा। बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश संयोजक अनीता गर्ग ने बताया कि बंदरों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बच्चों का तो घर से बाहर अकेले निकलना दुर्भर बना हुआ है। उन्होंने बताया महिलाएं भी अकेले काम करने नहीं जा सकती हैं क्योंकि बंदर हमला कर देते हैं। जो हमारा किसान मोर्चा है उसमें हमारा एक महिला विंग बना है, उसमें प्रदेश संयोजक हूँ। तो आज हमारे एक डेपुटेशन जो है वो हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय भंडारी जी से मिला, जिसमें हमारे मेन समस्या हमारे इलाके में जो बंदरों की है उसके लिए मिला, क्योंकि हमारा इलाका जो सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो आज बंदरों से है। और भंडारी जी ने जो है इस समस्या को जल्दी से जल्दी दूर करने का जो है वो आज हमें आश्वासन दिया। तो क्या लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? बहुत बड़ी मुश्किल है। खेतीबाड़ी की तो बात अब दूर की है, अब हमारे इलाके में तो बंदरों से हम लोग इतने परेशान हैं कि ना ही तो हम अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेज सकते हैं, उनके माता पिता साथ में जाते हैं या कोई और उनके साथ जाता है। छोटे बच्चों को घर में जो है वो आप अकेला खेलने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। औरतें जाती हैं तो बंदर उनको काटने को दौड़ते हैं। बहुत बड़ी समस्या जो है वो आज हमारे इलाके में जो है वो बंदरों की खड़ी हो चुकी है। महिला ने बताया कि बंदरों की समस्या से काफी समय से लोग बहुत परेशान हैं और इसी के चलते आज सरकार को ज्ञापन सौंप कर समस्या से निजात पाने के लिए गुहार लगाई गई है। कि मैं घर में भी अंदर बाहर जाना मुश्किल हो गया बंदरों की वजह से। रसोई घर में दरवाजे खोल लेते हैं तो सारा खराब कर देते हैं। कल हमारे घर में घुस गए थे तो सारी रसोई में इतना गंद डाला उन्होंने, हम नीचे वाले फ्लोर में रह गए, ऊपर उन्होंने सारा साफ कर दिया सब कुछ। और खेती बाड़ी जी वैसे ही है, बस अगर नाम मात्र के नाम से एक आध खेत बस करते हैं, उसको भी खा जाते हैं। कहीं खेती बाड़ी सब बंद है हमारा, कोई खेती बाड़ी का काम नहीं हो रहा है, तो क्या करें? इनकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो इसके लिए मिले हाँ जी, इसके लिए हम इनके आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका करो कुछ सोचो।